जांजगीर के हासौद इलाके में एक से फरा बंदूक लेकर लड़की के घर जा धमका। इंदौर के इस युवक ने आखिर क्यों उस लड़की की कनवटी पर पिस्तौल लगाकर की थी अपहरण की कोशिश, देखिए हमारी रिपोर्ट। हसौद इलाके में आशिक पर हुई सनक सवार, फिल्मी स्टाइल में किया हाई वोल्टेज ड्रामा, बंदूक निकालकर प्रेमिका के सिर पर तानी। इन वक्त पर पहुंची पुलिस ने युवती को बचाया। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना इलाके में एक सिरफिरे आशिक ने कोहराम मचा डाला। इंदौर की रहने वाले सनकी गोलू बनोलिया ने हाथ में रिवॉल्वर लेकर कैथा गांव में दहशत का जो माहौल बनाया उससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सनकी ने गांव की युवती की कनपट्टी पर रिवॉल्वर अड़ाई और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। गनीमत रही कि वक्त पर पुलिस पहुंच गई और युवती को बचा लिया, नहीं तो अनहोनी होने की पूरी आशंका थी। ये कल रात 8:30-9 बजे के आसपास सूचना मिला था कि एक व्यक्ति ग्राम कैथा के चारों राम कश्यप की लड़की को बलपूर्वक पिस्टल दिखाकर, मना करने पर भी पिस्टल दिखाकर अपने साथ जबरदस्ती ले जा रहा है। सूचना तस्दीक पर हमारा स्टाफ के वहां पर हम लोग गए और व्यक्ति जो है वो अपने हाथ में पिस्टल रखा हुआ था और उसके घर से करीब 1 किलोमीटर दूर तक वो पैदल ले जा भी चुका था और 30-40 की संख्या में ग्रामीण भी उसके पीछे पैदल पैदल चल रहे थे, लेकिन पिस्टल के डर से उन लोग उसको कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पर जाके मौके पर समझाइश दिया गया, पहले लड़की को उससे अलग किया गया, बाद में उसके पिस्टल को छीन कर उसके थाना लाया गया है। मतलब प्रेम प्रसंग का ही है इसमें, लेकिन लड़की की रजामंदी, उसके घर वालों की रजामंदी नहीं है, इसलिए इसने बलपूर्वक पिस्टल दिखाकर अपने साथ भगा कर ले जाने की कोशिश की है। आरोपी मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है, उसका नाम गोलू बालूनिया है। दरअसल जिस कैथा गांव में वारदात हुई उस गांव की युवती से गोलू की मुलाकात जबलपुर में हुई थी। गोलू अचानक घर में दाखिल हो गया और युवती को अपने साथ ले जाने लगा। जब युवती ने मना किया तो गोलू ने उसके सिर पर बंदूक तान दी, जिसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। अचानक गोलू ने हवा में फायर कर दिया और बंदूक की नोक पर युवती को घर से 1 किलोमीटर दूर तक घसीटते हुए ले गया। गोली की आवाज सुनते ही गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर ही ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई, मगर बंदूक के सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। गनीमत रही कि पुलिस ने आकर युवती को बचा लिया। हाँ सर, हमारे घर पे एक अज्ञात व्यक्ति ने गया और जो है मेरे सीने पे और मेरे लड़की की सीने पे वो जो कट्टा दिखाकर और मेरे लड़की को साथ घसीटते इधर बाहर ले आया। उसके बाद हम लोग उसके पीछे पीछे आए तो थोड़ी दूर आने के बाद उसने हवाई फायरिंग की तो उतने टाइम गांव वाले पड़ोसी भाई सभी साथ में सैकड़ों आदमी थे और उसके बचाव के लिए हमने 112 बुलवाए थे, तो तुरंत 112 आ करके उनको पकड़ा सर। अपने कनपट्टी पे वो जो ईआईसी पिस्तौल को लगाया हुआ था, अपने आप को उड़ा दूंगा कह के बोल रहा था। वो पुलिस आई और पकड़ करके उनके बाद थाने ले गई। तो सुना आपने कैसे सिरफिरे आशिक यानी कि गोलू ने पूरे गांव के सामने ऐसा खौफनाक तमाशा खड़ा कर दिया। युवती ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस शख्स को समझदार इंसान समझकर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रही थी वो ऐसा सनकी निकलेगा कि उसके पीछे पीछे गांव तक आ धमकेगा, वो भी रिवॉल्वर लेकर, और इस तरह पूरे गाँव के सामने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देगा। इस खौफनाक वारदात के बाद अब तक युवती के परिजन सकते में है। गोलू ने पुलिस को बताया है कि उसने अपने दोस्त से रिवॉल्वर मांगी थी। कारण यह था कि मैं उनके घर गया था, 2 घंटे उनसे बात करी मैंने, है ना, तो आखिर में मेरा मोबाइल छीन लिया, मैं तो माथा फोड़ी करने लग गया। वो समाज के कारण ही भेज रहे थे। वो एक मेरे दोस्त की थी, वो मर चुका है, वो बहुत टाइम से पड़ी हुई थी मेरे पास, और मेरी इच्छा नहीं थी उसे निकालने की, बस ये है कि मजबूरी निकालना पड़ेगा, मैं नहीं निकालता तो मेरी जान पर खतरा था, वो बहुत सारे लेने थे वहाँ।
उनके परिवार के, मैं अकेला था वहाँ, क्या करता मैं, निकाल के भी मेरे ऊपर रखी थी मैंने, सामने लोगों पर रखी थी मैंने। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब गोलू ने खुद की कनपट्टी पर बंदूक रखकर आत्महत्या की धमकी देना शुरू कर दिया। किसी तरह पुलिस ने उसे काबू में किया और आरोपी गोलू से बंदूक छीनकर उसे हिरासत में लिया गया। इस केस में कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं, जबकि पुलिस ने फिलहाल गोलू को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और आगे की तहकीकात शुरू कर दी है। हवालात के लिए जांजगीर से रवि गोयल की रिपोर्ट। हवालात में फिलहाल इतना ही, कल फिर लेकर आएंगे जुर्म की दुनिया की कुछ और दास्तां, ताकि अपने आसपास होने वाली वारदातों से चौकन्ने होकर आप रख सके खुद और अपने परिवार को सुरक्षित। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हवालात।